हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड मुकेश। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे जानना चाहा है कि अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट को समय पर रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं तो उसकी जो लेट फीस है उसका क्या नियम है, यानी उस पर जो पेनल्टी लगती है उसका क्या नियम है। तो दोस्तों, मैं इस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार का सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 है, उसके रूल 81 में ये फिटनेस की जो फीस है, तमाम प्रकार की फीसें हैं, वो सब वर्णित है, मेंशन है। 29 दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें इस रूल 81 में संशोधन किया था। उसके अनुसार ये जो लेट फीस है, यानी कि जो एडिशनल फीस होती है, वो उसको कई गुना बढ़ा दिया था। तो दोस्तों, अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप समय पर फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो अब बहुत सारी कई गुना फीस आपको देनी पड़ेगी। और जो नियम है वो ये है दोस्तों कि अगर आप समय पर नहीं करा पा रहे हैं अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यूअल, तो आपको 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस, यानी कि अतिरिक्त फीस देनी होगी। और ये दोस्तों, हर प्रकार के जो व्हीकल्स है सब पे ये नियम लागू होता है, चाहे आपका लाइट मोटर व्हीकल्स हो या हैवी गुड्स व्हीकल हो, हैवी पैसेंजर व्हीकल्स हो, मीडियम व्हीकल्स हो, या आपकी मोटरसाइकिल हो, ऑटो हो, विक्रम हो, ये नियम हर प्रकार के व्हीकल्स पे एक समान लागू होता है। यानी कि 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको अतिरिक्त फीस देनी होगी अगर आप वही फिटनेस को समय पर रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ व्यूवर्स ने ये भी जानना मेरे से पूछा है कि जेसीबी का फिटनेस फीस क्या होता है। तो जेसीबी के केस में भी यही नियम लागू होता है कि जो लेट फीस है वो 50 रुपये होती है, और जो सर्टिफिकेट को रिन्यूअल्स की या सर्टिफिकेट को ग्रांट करने की जो फीस होती है वो 200 रुपीज़ होती है। इसके साथ ही एक जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसकी भी फीस ली जाती है, वो टू व्हीलर्स के केस में 200 रुपये होती है, और जो थ्री व्हीलर या लाइट मोटर व्हीकल्स होता है उसके केस में 400 रुपये होती है, और जो मीडियम या हैवी जो व्हीकल्स होते हैं उनके केस में वो 600 रुपये होती है। और ये होती है अगर वो टेस्ट आपका मैन्युअली लिया जा रहा है, और अगर वहाँ पे ये मैनुअल ना लेके ऑटोमेटेड टेस्ट की सुविधा होती है तो वो फीस थोड़ा इनसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये तीन फीसें सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय देनी होती है। एक तो 200 रुपये सर्टिफिकेट की फीस, और एक 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एडिशनल फीस अगर आप लेट हो जाते हैं, और एक वो जो टेस्ट की जो फीस होती है, जो टेस्ट कंडक्ट कराती है अथॉरिटीज, उसकी जो फीस अभी मैंने बताई वो। तो ये फिटनेस की फीस होती है। एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट कितने साल के लिए होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 8 साल तक की जो नई गाड़ियाँ हैं उनके केस में ये 2 साल के लिए होता है, और अगर 8 साल से अधिक कोई पुरानी गाड़ी आपके पास है तो उसके केस में इसकी अवधि 1 साल के लिए होती है। और दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जारी होता है, कहीं से भी जारी हो, किसी भी राज्य से, किसी भी अथॉरिटी से, तो वो पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में वो वैलिड माना जाता है। दोस्तों, एक व्यूअर्स ने जानना चाहा है कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो बाहर वाहन होते हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं, क्या उनकी कोई वर्दी भी होती है। तो दोस्तों, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल है या सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अनुसार ट्रक ड्राइवर की कोई वर्दी नहीं होती है। दोनों एक्ट में, जिसके द्वारा ये पूरा हमारा जो यातायात का संचालन होता है, सारा जो काम होता है, उन दोनों एक्ट में कहीं भी ट्रक ड्राइवर की वर्दी का कोई मेंशन नहीं। हाँ, किसी राज्य के अगर अपने एक्ट में कुछ हो तो वो हो सकता है, बाकी केंद्र सरकार के किसी नियम में ट्रक ड्राइवर के लिए कोई वर्दी मेंशन नहीं है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। नमस्कार।